वाइकन्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। एक बार फिर से एक और नई सीख के साथ जीवन की मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस एपिसोड में। लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब इंसान की सबसे बड़ी जंग कहाँ होती है? आप कहेंगे उसके अपने परिस्थितियों के साथ, उसके अपनों के साथ, या फिर बाहरी दुनिया के साथ, समाज के साथ। कोई कहेगा अपने अंदर खुद से होती है। मैं मना करूंगी, इनमें से किसी के साथ भी इंसान की सबसे बड़ी जंग नहीं होती। ना, इंसान की सबसे बड़ी जंग होती है अपने जज्बातों के साथ। इंसान अपने जज्बातों के साथ सबसे बड़ी जंग हर क्षण लड़ता है। और ये जंग ऐसी है कि अगर ये जंग जीत ली, इस जंग के पार हो गए, तो फिर दुनिया में आपने जीना सीख लिया है। अगर इन इमोशंस की, अगर इन भावनाओं के बहाव में आप बह गए, या फिर कहीं आपने कुछ भी सुना अपने बारे में या किसी के बारे में, और उसमें उस बात के बारे में सोच के भावनाओं में अगर आप बह गए, तो आप जी चुके जिंदगी। जिंदगी जीना मुश्किल ही नहीं, दूभर भी है और नामुमकिन है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, एक लाइफ कोच हूँ, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मैं ये चीज आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। ये एक ऐसी सीख है जो जिंदगी में हमारी जिंदगी पलट सकती है। तो एक बात निश्चित करें कि अपने जज्बातों से भिड़ना बंद करें। आप अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड दूसरी तरफ, जिस इंसान ने जज्बातों को कंट्रोल कर लिया, वो इस जीवन का बेताज बादशाह है, मैं कहूंगी। अब जज्बातों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? एक ये तरीका है कि हम जहां जज्बातों से बहते हैं, वहीं उसी तरह से सीधा हम दूसरी ओवर टर्नओवर कर दें, दूसरी तरफ हम सीधा उसको टर्नओवर कर दें 360 डिग्रीज। हाँ, ये बहुत ही दुखदाई है, पीड़ादाई है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन सब से मैं गुजर चुकी हूँ। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ से मैं गुजरी हूँ और जहाँ से मैंने ये सीखा है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जहाँ आप जज्बातों को रिएक्शन देते हो, वही जज्बात आपके लिए और बहुत ही मुश्किलें, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। जहाँ आपने उसको कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, जहाँ आपने उसको ठीक है, हाँ ओके कर दिया जज्बात को, तब वो जज्बात आपकी शक्ति बनेगा, न कि आपकी कमजोरी। तो मेक श्योर कि आपके जो जज्बात हैं वो आपकी ताकत बने, न कि आपकी कमजोरी। आशा करती हूँ कि ये सीख काम करेगी आपकी जिंदगी में। मेरे लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध है, और दिस इज द बिगेस्ट मॉरल ऑफ लाइफ दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम द पीपल आई हैव मेट, एंड फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। दिस इज द बिगेस्ट लेसन जो मैंने ऑन स्क्रीन शेयर किया है। एक और नए मॉरल के साथ मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी, एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और ये कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इज इट हेल्पफुल टू यू? इससे आपको रिजल्ट मिला है या नहीं मिला? आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ काउंसलर। यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, एनी ऑफ योर कॉम्प्लिकेशंस जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू इन योर लाइफ। This is the prime motto of mine, कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं, क्योंकि मेरे समय पे मेरे लिए ऐसा कोई नहीं था जो मुझे इस तरह से गाइड करे।
जो मुझे इस तरह से रास्ता दिखाए जीवन में आगे बढ़ने का। सो आई वुड से कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं सबके लिए शेयर करना चाहती हूँ एंड सबको एक हेल्प करना चाहती हूँ। ये निःशुल्क सेवा है मानवता के लिए। इस उद्घोष के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलेंगे एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ इन सच अ वे दैट यू आर अ मैग्नेट दैट इज मोटिवेटिंग योर एंटायर एग्जिस्टेंस एंड द पीपल अराउंड यू। विद दिस बिडिंग बाय बाय सी।